तो बच्चों अब हम ये जान रहे हैं कि व्हाट इज मोलर मास। ठीक है, तो मोलर मास का सिंपल जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज़ मास ऑफ वन मोल। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस यदि एक मोल ले लिया जाए तो इसका जो मास आएगा उसको हम नाम देते हैं मोलर मास का। अब अगर हम एक मोल सैंपल ले रहे हैं तो एक मोल सैंपल का मतलब उसके अंदर एवोगाड्रो नंबर के बराबर स्पीसीज होगी। यानी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि मोल का मतलब क्या है। मोल का मतलब है एक काउंटिंग यूनिट है कि जिसमें इतने ऑब्जेक्ट पड़े होने चाहिए। कितने ऑब्जेक्ट? 6.022 × 10⁻³। और इस संख्या को हम क्या नाम देते हैं? एन ए, यानी एवोगाड्रो नंबर। तो अगर हम इतनी यूनिट्स इकट्ठा करके उसका एक साथ वजन करें तो वो जितना वेट आएगा, ठीक है, उसको हम नाम दे देते हैं मोलर मास का। अब मोलर मास को जो हम डिफाइन कर रहे हैं वो हम इसको दो कैटेगरी में बांट रहे हैं। ठीक है, मोलर मास को जो है हम दो कैटेगरी में बांट रहे हैं। सबसे पहला तो ग्राम एटॉमिक मास। ठीक, सबसे पहला कौन सा है? ग्राम एटॉमिक मास। और दूसरा कौन सा है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहला हम ले लेते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। ग्राम एटॉमिक मास ये होता है, इट इज मास ऑफ वन मोल एटम्स। तो ग्राम एटम की हम तब बात करेंगे जब सैंपल जो हमारे पास है वो एटॉमिक फॉर्म में है। जैसे नोबल गैस है, तो नोबल गैस हीलियम जो है उसके अंदर अगर हम देखें तो केवल एटम पाए जाएंगे। लेकिन हम नाइट्रोजन गैस देखें तो उसमें नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल पाए जाएंगे। तो ये सिग्निफिकेंस कब है इसका? कि जब हमारे पास जो चीज़ है वो एटॉमिक फॉर्म में ही सैंपल के अंदर होनी चाहिए, तभी इसका सिग्निफिकेंस है। अब हमने ये बोल दिया है कि वन मोल एटम्स है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो गया कि इट इज़ मास ऑफ एन ए एटम्स। ठीक है, एन ए एटम्स का मास होगा। ठीक है, अब एन ए एटम्स का मास यानी कि एन ए मल्टीप्लाइड बाई, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम। ये आप समझ चुके हैं कि एन ए एटम्स का कलेक्टिवली मास जो है वो अपन ने बोला कि मोलर मास है या ग्राम एटॉमिक मास है। तो एन ए एटम्स मेरे पास है तो मैं एन ए इंटू मास ऑफ वन एटम कर दूँ तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब एन ए मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ वन एटम को मैं क्या लिख सकता हूँ? एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास हमने ए एम यू लिखा है। ठीक है, तो ए एम यू, अब आप ये देखो कि एम यू भी एक मास की यूनिट है, तो वन एम यू इज इक्वल टू वन अपॉन एन ए ग्राम होता है। ठीक है, यानी कि हमें काम करते हैं कि यहाँ से एन ए मल्टीप्लाइड बाई इसको रिप्लेस कर दें ए इंटू वन अपॉन एन ए, ये ग्राम हो गया। एन ए से मैंने एन ए कैंसिल आउट किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया ए ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास ही हो गया। यानी कि अगर मुझसे बोला जाए कि मेरे पास एक एलिमेंट है 2He4, फोर इसका जो है ये चीज़ें इसका मास नंबर। ठीक है, तो मुझसे पूछा जाए कि व्हाट इज मोलर मास ऑफ हीलियम, मोलर मास ऑफ हीलियम। अब इस मोलर मास को मैं ये भी लिख सकता हूँ कि व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हीलियम। तो ये बात तो आप समझ ही गए हैं कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हीलियम। तो मोलर मास हीलियम यदि मुझे निकालना है तो मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा कि ये जो नंबर है फोर, इस फोर के साथ मैं ग्राम लगा दूं तो मेरे पास आ जाएगा इसका मोलर मास। तो आप समझ गए हैं, यानी एटॉमिक मास में और मोलर मास में डिफरेंस क्या है कि एटॉमिक मास एम यू में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मेरे से बोला जाए कि व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, तो ये कितना आ जाएगा भाई? 4 mu। तो आप समझ रहे हैं एटम बहुत छोटा है, एम यू इसकी छोटी यूनिट है, तो एम यू में रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन हीलियम का जो मास है वो हम मोलर मास किस में रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राम में। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास हमें पता लग गई। तो अगर मेरे से पूछा जाए कि अगर सैंपल का मास दे दे और एक फार्मूला मुझसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ मोल निकालने मुझे, तो नंबर ऑफ मोल निकाल का फार्मूला है कि सैंपल मास, सैंपल मास अपॉन मोलर मास। तो अगर मैं कहूं कि मेरे पास एग्जांपल, मेरे पास है 64 ग्राम हीलियम सैंपल और मुझसे पूछा जाए कि हाउ मेनी मोल्स आर देयर, तो मैं सिंपली क्या करूंगा
64 ग्राम को डिवाइड कर दूंगा मोलर मास ऑफ हीलियम से, जो कि हमने 4 ग्राम निकाला है, तो कैंसिल आउट करके ये कितना हो गया, 16 मोल हो गया। इसका मतलब 16 मोल है, तो 16 मोल में मेरे पास कितने एटम्स हैं, 16 इंटू 6.022 इंटू 23 एटम्स मेरे पास पड़े हुए हैं ऑफ हीलियम। और शॉर्ट में मैं इस संख्या को ये भी लिख सकता हूँ कि ये 16 Na एटम्स मेरे पास हीलियम के हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी सब बच्चों को। अब हम दूसरा केस ले रहे हैं, ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम मोलिकुलर मास क्या होता है कि इट इज मास ऑफ वन मोल मोलिक्यूल। ठीक है, इसका मतलब कितने का मास हो गया, ये कि ये मास हो गया मास ऑफ Na मोलिक्यूल्स। ठीक है, Na मोलिक्यूल्स हो गया यदि, तो मैं ये इसको लिख सकता हूँ Na इंटू मास ऑफ वन मोलिक्यूल, यानी कि मोलिकुलर मास। अब यदि मोलिकुलर मास किसी एलिमेंट का x हो, ठीक है, तो x mu लिखा मैंने, ठीक है, मैंने वही किया कि Na मल्टीप्लाइड बाई x, mu की जगह 1/Na ग्राम लिखा मैंने, कैंसिल आउट किया मैंने Na से Na को, तो ये आंसर आ गया मेरे पास x ग्राम। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझसे पूछा जाए कि वाटर का मोलिकुलर मास क्या है, अब देखो यहाँ बच्चा सब ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता है, तो अब आप यहाँ सावधानी रखेंगे। मोलिकुलर मास निकालना हम सीख चुके हैं ऑलरेडी, तो हम ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन का जोड़कर यहाँ पे मोलिकुलर मास इसका लिख देते हैं Mu। ठीक है, अगर मुझसे पूछा जाए कि व्हाट इज मोलर मास, तो मोलर मास में इस नंबर को ध्यान रखूंगा 18 यहाँ भी आएगा, पर उसकी यूनिट क्या आ जाएगी, ग्राम में। तो मोलिकुलर मास यानी मास ऑफ वन मोलिक्यूल, जो कि बहुत छोटा होगा, तो Mu में रिप्रेजेंट कर देंगे। और अगर मोलर मास बोल रहा है, तो मोलर मास जो है उसका वाटर का कितना सैंपल है, हमारे पास वाटर का एक सैंपल है, और इस सैंपल में हमारे पास मॉलिक्यूल बहुत सारे हैं। कितने मॉलिक्यूल हैं, 6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल मेरे पास वाटर के पड़े हुए हैं। अगर मैं इतने वाटर के मॉलिक्यूल इकट्ठे कर लूं, और इतने इकट्ठे करने के बाद मैं इसका वजन करूं, तो मेरे पास जो है यहां पे ये चीज़ आएगी कि कितना 18 ग्राम में सैंपल निकलेगा, और इसी सैंपल को हम कितना नाम देते हैं, वन मोल ऑफ वाटर। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे दे दिया इसने कि 90 ग्राम मेरे पास जो है वाटर सैंपल है, 90 ग्राम वाटर मैंने लिया है। ठीक है, अब इसने पूछ लिया पहली पार्ट कि हाउ मेनी मोल्स आर देयर, मोल्स का नंबर बताइए, तो आपको सिंपल क्या करना है, सैंपल का मास अपॉन इसका मोलर मास। मोलर मास हमने कितना निकाला, 18, तो 90 इज इक्वल अपॉन मोलर मास इसका 18, दोनों यूनिट ग्राम से ग्राम में कैंसिल करने के लिए रखेंगे, तो मेरे पास मोल कितने हो गए, 5 मोल आ गए। अब 5 मोल किसके हैं, वाटर के। मुझसे उसने पूछा कि हाउ मेनी मोलिक्यूल्स आर देयर ऑफ वाटर, तो मोलिक्यूल्स एक मोल में Na होते हैं, तो 5 मोल में कितने होंगे, Na इंटू 5 मोलिक्यूल ऑफ वाटर आ गए। ये बात समझ में आ गई सब लोगों को। और अगर उसने पूछा कि हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर, अब यहाँ आपको रुक कर ही सोचना है कि वाटर के एक मोलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, इसका मतलब जितने मोलिक्यूल हैं उसको 2 से गुणा कर दूं, तो 2 इंटू Na इंटू 5 एटम्स ऑफ ये क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये स्टोइकोमेट्री पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे के लेक्चर में अपन बात करेंगे मोल मोल एनालिसिस के बारे में। ठीक है।